महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5368 मामले सामने आए हैं। राज्य में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। कल जहां महाराष्ट्र में 3900 मामले सामने आए थे, अब ये मामले दुगने हो गए हैं। कल राज्य में 3900 मामले सामने आए थे, इसके बाद आज महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 5368 मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि इसमें आधे से ज्यादा मामले या कह सकते हैं कि 70-75% मामले सिर्फ मुंबई से आए हैं। मुंबई में आज 24 घंटे में 3671 मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 22 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी खबर है, जहां नए साल का स्वागत किया जा रहा है। मुंबई में महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके बीच ओमिक्रॉन के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में तीसरी लहर दस्तक देती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त टास्क फोर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स में नई गाइडलाइंस की दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 7 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ आज ऐसे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले आए हैं 5368 मामले। ये आंकड़ा काफी डराने वाला है कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। ये आज जो मामले सामने आए हैं वो लॉकडाउन के संकेत दे रहे हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने से सारी चीजें सुचारू रूप से चालू हो चुकी थी, अब एक बार फिर बंद होती हुई नजर आ रही है। अब लगता है टास्क फोर्स के जो भी निर्णय आज लिए जाएंगे, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जानकारी देंगे, वो बताएंगे, उनके सूत्रों द्वारा बताया जाएगा कि क्या होने वाला है, आज क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हुआ है। 5368 जो मामले 600-700 तक पहुंच गए थे, वो अब बढ़कर 10 गुना हो गए हैं। 5368 मामले सामने आए हैं, साथ ही 22 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है। और साथ ही आपको बता दें कि एक्टिव केसों की संख्या 18,217 पे पहुंच चुकी है। अब इसी के चलते अब ये लग रहा है कि राज्य में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा संकेत, एक खतरे की घंटी। अगर राज्य सरकार तुरंत कोई फैसला नहीं लेती है तो एक बार फिर वैसे ही डरावने खौफनाक मंजर एक बार फिर देखे जाएंगे, जो दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई महीने के दौरान जो देखे गए थे वो एक बार फिर देखे जाएंगे। महाराष्ट्र में जो 5368 मामले सामने आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक, 3900 कल आए थे, यानी 4000 कल मामले सामने आए थे, और ये अब डेढ़ हज़ार एक तरफ से मामले बढ़ गए हैं। 5368 मामले कोरोना के सामने आए हैं।